छपरा जिले के मढौरा के मुबारकपुर गांव में आज भी मोहल्ले के लोग कुएं के पानी का ही प्रयोग करते हैं। मुबारकपुर के वार्ड 7 के निवासी नागेंद्र उपाध्याय के दरवाजे पर यह कुआं आज भी पुराने युगों से तरह ही प्रयोग के है। यहां आज भी स्थानीय लोगों के द्वारा पानी पीने, कपड़ा धोने, नहाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चापाकल और हर घर में नल का जल होने के बावजूद भी यहाँ के स्थानीय लोग इस कुएं के पानी को शुद्ध व शीतल बताते हैं। यहाँ के नवयुवक भी इस कुएं को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं। कुएं से निकालना और फिर उसे पीना इनके लिए किसी शौक से कम नहीं है। यहाँ के आसपास के खेलने वाले युवक भी यहाँ पहुंचकर कुएं के शीतल जल को ग्रहण कर आनंदित होते हैं। हरियाली को लेकर के सरकार कई प्रयासें कर रही है ताकि जो जल संरक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं उनको पुनर्जीवित करना, कुएं, पइन, अहर, तालाब, नदी, इन सब को पुनर्जीवित कर रही है ताकि जो जल संकट की जो समस्याएं गहराते आ रही है प्रतिदिन, वो संकट से लोग ना जूझे और यह समस्या दूर हो जाए। हम आपको बताएं कि यह मढौरा का मुबारकपुर गाँव है जहाँ पर आज भी लोग कुएं का प्रयोग कर सकते हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यह कुआं है और बिना किसी सरकारी सहायता के यह काफ़ी स्वच्छ है और लोग आज भी इसका प्रयोग करते हैं। हम जैसे यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि लोग इस कुएं का प्रयोग कर रहे हैं और कब से, तकरीबन हम आपको बताएं कि 5-6 दशक अगर हम लोग पहले चलें तो यह कुआं ही एक संसाधन होता था कि जब हम पानी पीते थे इस कुएं से। लेकिन धीरे धीरे चापाकल, बोरिंग, नलजल, कई ऐसी व्यवस्थाएं आ गई जिससे हम इसको पीछे छोड़ते चले गए। लेकिन आज भी जल की जो व्यवस्था है यहाँ पे और जो शुद्ध वातावरण है, जो हमको फ्लोराइड, आर्सेनिक जैसे खनिज बीमारियों से जब बचाती है तो कुएं का पानी ही बचाती है। जबकि चापाकल की जो पानी होती है वो 40 फीट के बाद नीचे से आती है तो उसमें आर्सेनिक फ्लोराइड की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है और इससे बीमारियां बढ़ती है। यहाँ क्या नाम है आपका? नागेंद्र उपाध्याय। नागेंद्र उपाध्याय नाम जी आपका। कब से प्रयोग करते हैं आप लोग? ऐसे तो बहुत दिन, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया इसको। 100 साल से, हाँ, 2 बार फंस गया, फिर इसको रिपेयर कराया गया। 62 में फंस गया था, फिर रिपेयर कराया गया। तो आज भी आप लोग कुएं का ही पानी पीते? हाँ, क्यों पीते हैं कुएं का पानी जब सारी व्यवस्था? हमको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो सरकार के द्वारा तो सारी व्यवस्थाएं की गई है तो फिर आप कुएं का जल क्यों पीते हैं? पीते हैं, क्या करें, टोंटी भी है तो समय पर पानी नहीं आएगा तो कुएं का नहीं पिएंगे, क्या करेंगे। देखिए, हमारे स्टार्टिंग से 100 वर्ष हो गया इस कुएं को और हमारे पूर्वज भी इस पानी को पीते थे और स्वस्थ थे, काफ़ी स्वस्थ थे। लेकिन बीच में ये कुआं हमारा ख़राब हो गया था। ख़राब हो जाने के कारण हमारे यहाँ से पूर्व मुखिया सोहन दास जी थे, उनके द्वारा इसको मरम्मती कराया गया और फिर हमारे इस जो चौतरा बना हुआ है जो कुएं का, उस कुएं के पानी हम लोग सब शौक से भी पीते हैं और नल जल का पानी आता है, लेकिन समय से ना आने के कारण हम लोग इसको भी यूज करते हैं। और दूसरा नंबर है कि यहाँ पे मोहल्ले में 50 घर है और सब लोग यहाँ छठ पूजा भी करते हैं, जिसके कारण से इसका देख रेख भी जो कुएँ का है काफ़ी सही तरीका से होता है और हम लोग शौक से इस पानी पीते हैं। 2019 में जब जल की संकट गहराई हुई थी मढौरा में और चापाकल सूखने लगे थे, लोगों में पानी के लिए हाहाकार मची हुई थी और सरकार के द्वारा कई तरह की व्यवस्थाएं की जा रही थी, टैंकर से पानी भेजा जा रहा था, तब यह कुआं काफ़ी वरदान साबित हुआ था। हम आपको बता दें कि यह कुआं वरदान साबित हुआ था और लोग यहीं आके पानी पीते थे। TNT न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।